फिरोजाबाद में मकान में लगी आग, एक किशोरी जिंदा जली, छह लोग झुलसे। फिरोजाबाद जिले थाना रसूलपुर क्षेत्र के मोमिन नगर में सिलेंडर से लगी आग, एक किशोरी की जलकर हुई मौत, करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलसे। मौके पर पहुंची फायर फाइटरों ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। चूड़ी जुड़ाई का कार्य के दौरान बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे। बुधवार की सुबह फिरोजाबाद शहर के मोमिन नगर में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। भीषण आग में एक किशोरी की जमकर मौत हुई, जबकि आधा दर्ज लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना पहुंचे थाना रामगढ़ के सिपाही हिमराज ने जलते सिलेंडर को बाहर किया, उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। कड़ी मेहनत कर फायर फाइटरों ने रेस्क्यू कर छह लोगों को बाहर निकाला, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है इशरार नामक व्यक्ति के मकान चूड़ी जुड़ाई कार्य चल रहा था, इसी दौरान गैस लैंप का सिलेंडर फटने से आग लग गई। इसी दौरान पड़ोस के इशरार और पड़ोसी का एक किशोरी पढ़ाई कर रही थी, आग की चपेट में आने से तीन किशोरी समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी नसीम, ये मकान किसका है? ये मेरे भाई का, इसका अहमद का। क्या हुआ, कैसे घटना कैसे हुई? यहाँ बेटी खाना बना रही थी, यहाँ जिसका भाई उनसे का सिलेंडर रखोगे था। कि इस मकान में कौन पढ़ता लिखता है? यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। कितनी बच्चियाँ होंगी, कितनी झुलसी हैं? पाँच चार पाँच बच्ची पढ़ती हैं। कोई बच्ची की कोई डेथ वगैरह हुई है? जी सर, एक बच्ची की। क्या नाम था उसका? उस बच्ची का नाम तो था, उसी नाम है और पिता का नाम भूला। कितनी उम्र होगी उसकी? उम्र 14-15। आग किस में लगी थी बता सकते हो? जी आग लगी है समय 7:30। किस में लगी थी? सिलेंडर में। किस में? सिलेंडर में लगी थी, यहाँ खाना बनाती थी बेटी तभी लगी थी। ये कौन सी जगह है? ये मोमिन नगर प्रेसी का स्थान। सर अभी आपकी घटना हुई है, किस तरह का मामला है सर? देखिए थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोमिन नगर मोहल्ले में एक इसरार हैं, उनके घर में आज आग लग गई थी, इसमें एक हादसा हुआ, एक बच्ची थी उसकी जान चली गई है, बाकी इसमें अन्य बच्चियां भी थी जिन्हें पुलिस विभाग की टीम और फायर की टीम तथा कुछ पब्लिक वालों के सहयोग से उन्हें सकुशल निकाला गया है। कुछ इंजर्ड थी, हॉस्पिटल उन्हें भिजवा दिया गया है। इसमें एक हेमराज गौतम हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, थाना रामगढ़ के हैं और जलते हुए सिलेंडर को उन्होंने बाहर फेंका है। प्रारंभिक जांच से ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ है, इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जा रही है।